राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है, फुल फ्लेज कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, बन चुकी है अब तक। सो उसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, साथ में एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है और फ्यूचर में क्या कर सकती है, और आज की कंपनी की क्या हालत है उसकी चर्चा करने वाले हैं। सो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं आईपीओ के बारे में। सो आईपीओ जो है 8 मई से 10 मई के बीच में खुलने वाला है। कंपनी ने जो अपना प्राइस सेट किया है 920 रुपये सेट किया है कट ऑफ प्राइस, और यहाँ पर 16 रुपये का लॉट साइज है, तो आपको 14,720 रुपये की एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 400 रुपये तो कंपनी खुद उठा रही है, और बाकी 1,150 करोड़ रुपये के जो शेयर्स हैं वो कंपनी के जो प्रमोटर और इन्वेस्टर हैं वो बेच रहे हैं, जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के अंदर में। अब यहाँ पे कंपनी जो है करती क्या है, सो कंपनी एक्चुअली होटल बिजनेस की, ये सॉरी ये ट्रेवल होटल इस बिजनेस के अंदर में है। सो ये बेसिकली क्या काम करती है उसकी अगर चर्चा करते हैं, तो ये B2B बिजनेस मॉडल के ऊपर में काम करती है। जैसे कि मान के चलिए जो एजेंट वगैरह नहीं होते हैं, जो आपके लिए एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं, होटल की टिकट बुक करते हैं, कहीं कहीं घूमने जाने की टिकट्स बुक करते हैं, तो उनको ये अपनी सर्विसेज बेचती है कि आप हमसे सर्विसेज, आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए, फिर बाद में हम आपको आपको कहीं पे जाना होगा, अपने किसी भी कस्टमर की बुकिंग करनी होगी, या फिर ग्रुप में कहीं पे किसी को जाना है उसकी बुकिंग करनी होगी, या फिर आपको किसी को कोई प्लान बेचना है कहीं पे घूम के आने का, तो वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं आप हमारे पोर्टल के थ्रू करिए। और हमने काफ़ी ज़्यादा जितने भी सेलर्स होते हैं, होटल्स वाले, कैब वाले, ये एयरलाइंस होते हैं, इनको सबके साथ में हमने टाई अप कर रखा है, तो ताकि जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा वो आप हमारे ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपके दिन आपको देखते हैं कि मेक माई ट्रिप है, तो वो खुद एक कंपनी है अपने आप में, राइट। इसी तरीके से अगर कोई जयपुर में एजेंट बैठा है, कोई सीकर में एजेंट बैठा है, कोई दिल्ली में एजेंट बैठा है, तो उसको भी अगर अपना खुद का लोगो लगवा के अपनी इस टाइप की सर्विसेज देनी है मेक माई ट्रिप टाइप की, तो वो लोग इस कंपनी के साथ में टाई अप कर सकते हैं, तो उनका लोगो उसका लग जाएगा, काम सब कुछ उसका चलेगा, और बैकएंड में जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है वो ये कंपनी संभालेगी। सो एक काइंड ऑफ B2B बिजनेस मॉडल पे काम करती है, डायरेक्ट कस्टमर्स को सर्व ये कंपनी नहीं करती है। सो यहाँ पे एक अच्छे खासे मार्जिन्स अवेलेबल हैं, अगर कोई भाई अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर सकता है, देख लेके क्या क्या मार्जिन्स हैं, किस तरीके से काम चलता है, बाकी क्या बताएं अब, ठीक है। अब आज के दिन इनकी 100 कंट्रीज के अंदर में अप्रोच है, मैंने तो ट्राई किया, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इनकी वेबसाइट चेक की, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। बाद में 2,000 से ज़्यादा लोग आज के एम्प्लॉय इनको दे चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं, और 750 डेस्टिनेशंस को ये सेल कर चुके हैं। कुछ खास नहीं, इतनी बड़ी कंपनी, 10,000 करोड़ की आप वैल्यू मांग रहे हो, 7,500 डेस्टिनेशंस आप बेच चुके हो, कुछ खास चीज़ नहीं है वो। नेक्स्ट मुझे कुछ खास नहीं लगे। अब ये कंपनी का नाम ही क्या है, TBO टेक, राइट, TBO टेक नाम से ये कंपनी है। अब इसका पूरा नाम क्या है एक्चुअली, वो है ट्रेवल बुटीक ऑनलाइन .com, और ये काफ़ी 2006 से खुली हुई कंपनी है आज के दिन, और बाद में 2021 में इन्होंने यूजुअली अपने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, उसके बाद में इन्होंने आईपीओ लेके आने का मेन प्लान बनाया हुआ है। उसी के बाद में ये पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है 2021 के बाद में ही। इसकी बेसिक डिटेल्स हम अभी शेयर करेंगे, आप अभी मतलब चर्चा करेंगे उसके बारे में। अब ये कंपनी आईपीओ लेके क्यों आना चाहती है, उसके पीछे जो मेन लॉजिक्स कंपनी ने बताए हैं, वो कंपनी बोल रही है कि एक्सपेंशन ऑफ द सप्लायर एंड द बायर बेस। सो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स हमारे साथ में रजिस्टर होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो वो जो बेस है वो क्रिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स, ये जो एजेंसीज होती हैं, गाड़ियों वाले होते हैं, ये फेरी वाले होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बसेज वाले होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे तो उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। एयरलाइन वाले हैं, इसी तरीके से बायर बेस बढ़ेगा, एजेंट्स जुड़ेंगे। एम्पलीफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ आवर प्लेटफॉर्म बाई एडिंग न्यू लाइन्स ऑफ बिजनेस, और भी बिजनेसेस हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर में जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत है। और जो ऑलरेडी इनऑर्गेनिक ग्रोथ हमें करनी है, कि जो ऑलरेडी इस मार्केट में सेगमेंट में जैसे छोटे मोटे जो प्लेयर्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए पैसों की जरूरत है। लेवरेजिंग डेटा प्रोक्योर्ड बाई, और कस्टम प्लान्स भी हम लोग बेचना चाहते हैं, बीस्पोक ट्रेवल्स, सो कस्टम प्लान्स जो होते हैं वो भी हम बेचना चाहते हैं टू आवर बायर्स एंड सप्लायर्स, अगर नीड जैसे भी उनको जरूरत होती है उसके हिसाब से। सो ये बेसिक कंपनी का, तो उसके लिए कंपनी सिर्फ 400 करोड़ रुपए उठा रही है इस पूरे कारनामे के लिए। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी चीज़ें अगर उठा रही है तो आपके लिए 400 करोड़ रुपए कम नहीं है, हिसाब से तो आपको पूरे 1,500 करोड़ रुपए उठाने चाहिए। आप क्यों, ये मतलब जो इन्वेस्टर लोग हैं ये लोग क्यों अपने शेयर्स बेच रहे हैं यहाँ पर, जो प्रमोटर लोग हैं यहाँ पर। अब ये कुछ ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर बेच नहीं रहे हैं, अगर उसकी चर्चा करते हैं हम यहाँ पर, तो वो कुछ खास यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए 135 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है, और सबसे ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़, हायरिंग, सेल्स, कॉन्ट्रेक्चुअल, जो अपने आप को बायर बेस को बढ़ाने के लिए, उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, और 25 करोड़ रुपए मार्केटिंग और वगैरह उसमें ग्रोथ प्लान्स के अंदर में खर्च करने वाली है। सो
इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर में आप सिर्फ 25 करोड़ रुपये खर्च करोगे, किस चीज़ को टेक ओवर कर लोगे 25 करोड़ में? आई डोंट नो, कर ही लेंगे किसी न किसी को तो। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कंपनी के आज के दिन में मालिक लोग कौन हैं। सो यहाँ पे दिखा हुआ है कि अंकुश निझवान, गौरव भटनागर, LAP ट्रेवल्स, मनीष ढींगरा, ये सब लोग आज के दिन 51% शेयर होल्डिंग में लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद में TBO कोरिया एंड ऑगस्टा TBO, ये 11% और 20% के आसपास में, मतलब 30% ये शेयर होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। सो टोटल यहाँ पे 81% शेयर होल्डिंग जो है आज के दिन प्रमोटर्स के पास में है, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास में है, राइट। ये इन्वेस्टर्स हैं TBO कोरिया एंड ऑगस्टा TBO। सो इसी कंपनी की सब्सिडरीज हैं और सब्सिडरीज ने ही कंपनी को दोबारा खरीद रखा है, गजब खेल चल रहा है, ठीक है। ये कंपनियां करती हैं अपने टैक्सेस वैक्सेस को बचाने के लिए। नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हैं यहां पर कि ये लोग कितने शेयर्स यहां पर बेच रहे हैं, तो उसकी अगर चर्चा करें यहां पर, कौन सा टैब है, ओके। सो यहां पर ये जो गौरव भटनागर है जिसके पास में 2 करोड़ के आसपास में शेयर्स हैं, वो 2 लाख शेयर्स यहां पर बेचने वाला है, सॉरी 20 लाख शेयर्स यहां पर बेचने वाला है। और शेयर्स कितने हैं इसके पास में, कहां गया, गौरव भटनागर इसके पास में 2 करोड़ शेयर्स हैं और 20 लाख शेयर्स बेचने वाले, लगभग ये 10-10% शेयर्स बेचने वाले हैं ये मनीष ढींगरा ये सब के सब, ठीक है। और यहां पर ये जो TBO कोरिया है, ये लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स यहां पर बेचने वाला है इस IPO के थ्रू। TBO कोरिया कितने शेयर्स, 26 लाख शेयर्स, तो लगभग 26 लाख शेयर्स और 1 करोड़ के आसपास में शेयर्स हैं, सो 25% शेयर होल्डिंग बेचने वाला है। ऑगस्टा TBO है ये वाला भी अपने लाइक आई थिंक कितना 25% शेयर होल्डिंग बेचने वाला है। सो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग ये लोग बेच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो जो सब्सिडरीज है ना, ये अच्छी खासी यहाँ पर बेच रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि आगे किस तरीके से कंपनी का जो IPO है वो हमें झटके दे रहा है। अब ये कंपनी की डिटेल्स हैं, जो बेसिक कंपनी कब से स्टार्ट हुई है और किस कब कब से क्या क्या एक्वायरी यहाँ पे, तो 2006 में शुरू हुई, फिर 2021 में मेनली इनके सारे काम हुए हैं चालू। और इंडायरेक्ट सब्सिडरी TBO LLC वाज इनकॉर्पोरेटेड इन USA, और USA के साथ में ही जो ये जो यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा है ना, इसी में सबसे ज़्यादा झोल नज़र आया मेरे को, तो USA वाली जो सब्सिडरी के अंडर में काम हो रहा है ना, वहीं पे किस तरीके से उसकी चर्चा करते हैं। अब जो मेन जो मेरे को इश्यू और नज़र आया वो ये है कि जो इनकी कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ में कुछ केसेस चल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो कंपनी ने केसेस कर रखे हैं, 78 केसेस कर रखे हैं कंपनी ने किसी और के खिलाफ में, और साथ में जो कंपनी के डायरेक्टर लोग हैं वो 2 केसेज हो रखे हैं कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर में, और टैक्स प्रोसीडिंग के 6 केसेज हो रखे हैं और 4 केसेज हो रखे हैं मेटीरियल सिविल लिटिगेशन के। अब ये मेटीरियल सिविल लिटिगेशन और ये जो चीज़ें हैं ये होती क्या हैं, सो इसकी अगर चर्चा करते हैं, 1 सेकेंड डिटेल्स निकाल लेता हूं मैं। सो जो मेनली जो इश्यू चल रहा है, एक तो है इनके पास में अगेंस्ट आवर डायरेक्टर्स, सो रेगुलेटरी जो एक्शंस हो रखी हैं वो एक तो हो रखी है ये उदय धवन के साथ में, जो ये फोर्टिस के साथ में केस हुआ था, फोर्टिस में इन्होंने पैसों को घुमाया था कंपनी के अंदर में, और उसकी जो रिपोर्ट है वो सेबी को ढंग से नहीं दी थी, तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इसका ऊपर में एक लिटिगेशन चल रहा है। ये फोर्टिस का अगर आप लोग केस जानते हैं तो वहाँ पर दो वो उसमें काफ़ी झोल हुआ था पास्ट के अंदर में, तो एक डायरेक्टर ये इन्होंने कंपनी ने जिनके ऊपर ऑलरेडी दाग लगा हुआ है, उन्होंने ये उनकी बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, मतलब डायरेक्टर्स की बोर्ड में बैठे हुए हैं। दूसरे जो हैं रविंद्र धारीवाल, इनके ऊपर में जो है एक तो चेक बाउंस होने का केस हो रखा है, दूसरे जो केसेज हो रखे हैं वो एक ये कंपनी है फ्यूचर रिटेल वाली जो कि अभी काफ़ी नुकसान में चल रही है, उसका लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब वो कंपनी बिक रही है अलग अलग होके, तो उसके उस मामले में इनका नाम आया हुआ है कि इन्होंने इनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो है, जो अब जैसे कोई कंपनी बिकने वाली होती है ना, जो ख़त्म हो चुकी होती है, तो वहाँ पर एक सरकार एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है उसको अपॉइंट करती है, और फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पूरी कंपनी की हालत को देखता है और फिर इल्ज़ाम लगाता है सभी के ऊपर में कि किसने कोई गड़बड़ी क्या कहाँ की है, राइट। क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने यहाँ पे जो रिपोर्ट अपनी दर्ज की उसमें रविंद्र धारीवाल का अच्छी खासी काफ़ी जगहों पर नाम लिया है उसके अंदर में। सो ये पूरा का पूरा मामला है, टैक्स प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, सो डायरेक्टर्स के खिलाफ में काफ़ी सारे केसेस टैक्स प्रोसीडिंग्स और वगैरह चल रही हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इनका है ना काफ़ी मंझा हुआ है अब, ठीक है। सो अब यहाँ से आपने को एक क्लू मिल गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस लेवल के हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं कि इनके
जो फाइनेंशियल डेटा है उसके ऊपर में अगर चलते हैं, तो अगर इनके आज की बैलेंस शीट को देखा जाए तो बैलेंस शीट यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ाई हुई है। गड़बड़ाई किस तरीके से है अगर उसकी बात करते हैं, तो इनकी जो बैलेंस शीट की साइज़ है, टोटल एसेट्स की यहाँ पे साइज़ है 3754 करोड़ रुपए, राइट। सो 3754 करोड़ रुपीज़ की इनकी पूरी बैलेंस शीट की साइज़ है, बट उसी के अंदर में 2608 करोड़ रुपए हैं तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में माल बिक गया है, मतलब सर्विसेज बिक गए, पैसा नहीं आया। और उसी के साथ में एवज में, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, हमेशा अगर ट्रेड रिसीवेबल्स में बिका है तो किसी से आपने खरीदा भी होगा, तो वो पैसे की भरपाई कौन कर रहा है? अगर आपने बेच दिया माल उतना, तो पैसे की जो भरपाई कर रहा है वो ट्रेड स्टे पेबल्स में है कि इन्होंने किसी और से सर्विसेज ली, उसके पैसे नहीं दिए, बाद में इन्होंने किसी और को सर्विसेज बेची, उन्होंने भी पैसे नहीं दिए। पैसों को घुमाना इसी को कहते हैं। तो जो बैलेंस शीट की जो एक्चुअल साइज होनी चाहिए वो 1000 करोड़ के आसपास में लगभग होनी चाहिए, जबरदस्ती इसको 1000 करोड़ या 900 करोड़ के आसपास में होनी चाहिए, बट यहाँ पे जबरदस्ती इसको 3754 करोड़ तक पहुंचाया हुआ है। अब यहाँ पे जो बेसिकली इनका मेन जो ट्रेड रिसीवेबल्स प्रेजेंट हैं बैलेंस शीट के अंदर में, उसका जो मेन बड़ा चंक है वो यूएस से जो बिजनेस है, ट्रेड यूएस डॉलर्स में जो बिजनेस है उसके अंदर में है, ट्रेड्स पेबल में भी और ट्रेड्स रिसीवेबल्स में भी। बाकी और भी जो कंपनीज हैं, जो और भी करेंसीज हैं उनके अंदर में भी है, और बाकी जो बचा हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स है वो इंडियन करेंसी के अंदर में है। सो इंडिया के बिजनेस में भी इनका अच्छा खासा हाथ तंग है, और पे भी नहीं कर रहे हैं और मिल भी नहीं रहा है। सो अब एक वो तरीका देख लो कि मैंने किसी से माल खरीदा, उसी ने मेरे से माल वापस खरीद लिया, राइट। तो ना मैंने उसको पैसे दिए ना उसने मुझे रुपए दिए, बट एंट्री बैलेंस किताबों में एंट्री हो गई कि 70 रुपए का माल आया, 80 रुपए का माल बिका। देख रहे हो, यहां पर ना तो किसी को बिका है ना किसी से लिया गया है। ऐसा कोई झोल यहाँ पे है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट जो एंट्रीज हैं, ट्रेड्स पेएबल एंड ट्रेड्स रिसीवेबल्स, दोनों उसी टाइप की चीजों को इशारा कर रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखते हो तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो इलीगल होती है, ठीक है, बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, तो अब ये पूरा मामला अपने सामने आया है। सो हमने जो डायरेक्टर्स हैं उनकी हालत देख ली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, फाइनेंशियल डेटा के अंदर में किस तरीके से जो डेटा है वो गड़बड़ाया हुआ है, बैलेंस शीट की बैंड बजी हुई है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज और ध्यान देना कि इस 9 महीने के अंदर, पिछले 9 महीने के अंदर में इनकी जो टोटल सेल हुई है वो 1023 करोड़ रुपए की सेल हुई है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, पिछले 9 महीने के अंदर में। और पिछले साल पूरे साल के अंदर में 1000 करोड़ की इनकी सेल हुई थी, और इस साल 9 महीने में ही 1000 करोड़ की सेल हो गई। बट जो इस साल जितनी भी सेल हुई है उसमें से एक भी पैसा नहीं आया इनके पास। देखना आप, 1000 करोड़, 1023 करोड़ रुपए की सेल हुई है, और इनकी बैलेंस शीट में अगर आप लोग चेक करोगे यहां पर, तो पिछले साल इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स था वो 1566 करोड़ था, और इस साल 2608 करोड़ रुपए हो गया, सीधा 1000 करोड़ रुपए से बढ़ गया। मतलब जितना आपने माल बेचा एक भी पैसा नहीं आया, तो अब कैसे बिजनेस चलाओगे? आपको बोरिंग उठानी पड़ेगी। सो अब ये पूरा मामला को सुलझाने के लिए अब ये लोग आईपीओ लेके आए हैं, जिसमें ये लोग 400 करोड़ रुपए तो कंपनी को दे रहे हैं और 1100 करोड़ रुपए खुद अपने शेयर्स बेच के निकल रहे हैं। अब इनको 1100 करोड़ रुपए में भी, अब यहाँ पे इनको एक शेयर की प्राइस जो वैल्यू मिल रही है 920 करोड़ रुपए मिल, 920 रुपए पर शेयर वैल्यू मिल रही है, जबकि जो इनकी कितने में इन्होंने शेयर खरीदा अगर उसको देखोगे तो यहाँ पे देखो, इनके जो शेयर्स पड़े हैं 2 रुपए के, इसको एक शेयर पड़ा है, इसको 8 पैसे का एक शेयर पड़ा है, इसको 4 पैसे का एक शेयर पड़ा है। टीबीओ कोरिया इनके तो नेग्लिजिबल है, इन पर कुछ लिखा पे नहीं है, मतलब इनको एक एक रुपए के भी शेयर पड़े नहीं है, पॉइंटों में पड़े हैं, और उसका ये 920 रुपया ले लेके निकल रहे हैं। तो अगर ये इतने शेयर्स भी ये बेच रहे हैं ना, तो बहुत ही भयंकर तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में बेच रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल के ऊपर में। अब आप बोलोगे कि ये अपनी जितनी भी इनके पास शेयर होल्डिंग है उसका 90% तो रख रहे हैं, सिर्फ 10% तो बेच रहे हैं। अरे 10% भी देखो किस भाव में बेच रहे हैं भाई। अब तो अभी तक अब बिजनेस किस टाइप से है वो भी हमने समझ लिया, बैलेंस शीट में क्या दिक्कत है वो भी हमने देख ली, किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दिक्कत है वो हमने देख ली, क्या लिटिगेशंस हैं वो भी देख लिया, अब किस चीज लिए पैसा उठा रहे हैं जो ये बोल रहे हैं किस लिए उठा रहे हैं वो भी हमने देख लिया।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आज के दिन जीएमपी प्राइस कहां पर चल रहा था, कि मार्केट में जो वैल्यू बनाई जा रही है वो वैल्यू कहां पर चल रही है, राइट, इस कंपनी को लेकर में। सो ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है। ओके, अब यहां पे आज के दिन इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 48% पॉजिटिव की साइड, मतलब इतनी ऊपर लिस्टिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो आई होप कि मेरे को लग रहा है कि अगर ये इसी तरीके से मार्केट नहीं गिरता है और ये जो जीएमपी प्राइस है ये अगर नहीं गिरता है, मोर देन 30% रहता है, तो मुझे मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेंस का फायदा उठाना चाहिए और बाद में निकल लेना चाहिए, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अभी हिसाब से, फाइनेंशियल डेटा अगर आगे सुधरते हैं तो तब देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, बाकी फिलहाल के लिए आईपीओ के फायदा उठा लेना चाहिए। अगर ये 30% से अबव रहता है, मार्केट गिरता है तो भी, या फिर इससे 30% से अबव रहता है तो आखिरी आखिरी लिस्टिंग, मतलब आखिरी अप्लाई डे तक, मतलब 10 तारीख तक। दैट्स ऑल ओवर एडवाइस, नॉट एडवाइस, आई डोंट एडवाइस एनीथिंग, ये मेरा खुद का मानना है, पर्सनल लेवल के ऊपर मैं फॉलो करने वाला हूँ, बाकी आप अपना खुद देख सकते हैं। दैट्स ऑल, एंड कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।